लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में आज सुबह 7 बजे से यूपी की 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। पहले 4 घंटे के चुनाव में 11 बजे तक पश्चिम यूपी की जिन 8 सीटों पर मतदान चल रहा है उनमें कुल 35.73% मतदान हुआ है। सभी सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। बूथों के बाहर मतदाताओं की लाइनें लगी हुई हैं। मतदान में खास बात यह है कि अमरोहा वासियों का मतदान के प्रति रुझान और उत्साह तेज धूप निकलने के बाद भी कम नहीं हुआ है। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत के साथ अभी तक अमरोहा 8 निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे आगे बना हुआ है। यहां पर 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान हो चुका है। द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ तथा मथुरा शामिल हैं। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं के साथ साथ पहली बार वोट कर रहे युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी खुशी है। दूसरे चरण की उप सीटों पर 1 बजे तक 35.73% मतदान हुआ है। मतदान में अमरोहा 40.67% के साथ सबसे आगे चल रहा है। वहीं मथुरा 32.70% मतदान के साथ सबसे पीछे है। वहीं मेरठ 38.33%, गाजियाबाद 33.99%, गौतम बुद्ध नगर 36.05%, बुलंदशहर 35.35%, अलीगढ़ 35.55% और बागपत 34.17% मतदान 1 बजे तक हुआ है।